नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी खबर एक नजर। आज झज्जर में महिला वर्कर एक दिन की हड़ताल पर रही और अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। 30 जनवरी को करेंगे जेल भरो आंदोलन। महिलाओं को दी जाए सुरक्षा, नहीं तो करेंगे बड़ा आंदोलन आशा वर्कर। आज झज्जर में महिला वर्कर एक दिन की हड़ताल पर रही और अपनी मांगों को लेकर शहर भर में सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। शहर भर में प्रदर्शन करते हुए अंबेडकर चौक पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला फूंका। वहीं महिला कर्मचारियों ने महिला सुरक्षा को लेकर नारेबाजी की, सरकार के जमकर विरोध किया और महिलाओं पर आए दिन हो रहे अत्याचार, नाबालिग लड़कियों के साथ हो रहे बलात्कार और महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आज महिला वर्कर ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर शहर के मुख्य चौक पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला फूंका। महिला वर्कर मिड डे मील वर्कर की राज्य अध्यक्ष सरोज दुजाना ने कहा कि आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। कहा कि मध्य प्रदेश जैसा कानून हरियाणा राज्य में भी होना चाहिए। कहा कि बीजेपी सरकार जैसी सरकार आज तक न कभी देखी है न कभी आई थी। कहा कि बीजेपी सरकार में जितने बलात्कार रेप जैसी घटनाएं हुई हैं वह सारा श्रेय बीजेपी को जाता है। इस सरकार में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। सरकार इन दरिंदों के खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं बना रही है। उन्होंने कहा कि इसी तरह अगर महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और 30 जनवरी को अपनी मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने 30 जनवरी को बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी के साथ हरियाणा सरकार को चेताया है। सरकार अपनी बड़ी से बड़ी जेल बना ले, हम जेल से वापस नहीं आएंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएंगी तब तक हम यूं ही आंदोलन करते रहेंगे। सबकी खबर एक नज़र।